अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस थर्ड सीक्वल की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जो फैंटेसिया की गुफा में किसी किताब को पढ़ रहा होता है, जिसमें एक शैतानी गैंग नेस्टी के बारे में लिखा होता है जो बच्चों का ध्यान किताब पढ़ने से रोक देंगे और इससे फैंटेसिया भी बर्बाद हो जाएगा। पर इसे बचाने के लिए एक ऐसे लड़की की जरूरत पड़ेगी जिसकी सोच कल्पना से भी परे हो। अब हम बेस्टियन को देखते हैं जो स्कूल में कुछ बदमाश सीनियर स्टूडेंट्स जो बच्चों की बुली करते हैं उनसे बचकर भाग रहा होता है, और भागते हुए वो स्कूल की लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ उसे कोरिएंडर मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम फिर से बच्चों से डर कर भाग रहे हो। फिर तभी बेस्टियन को वहाँ वही किताब द नेवर एंडिंग स्टोरी दिखाई देती है, और फिर वो उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें बेस्टियन के बारे में लिखा होता है, और हम उसकी कहानी को देख पाते हैं जहां बार्नी ने एक जेन नाम की फीमेल से शादी कर ली होती है जिसकी एक बेटी निकोल है, और बार्नी बेस्टियन के साथ जेन के घर रहता है। लेकिन निकोल को उसकी माँ की दूसरी शादी करना पसंद नहीं था, इसलिए वो बेस्टियन से भी बात करना पसंद नहीं करती, पर जेन उसे समझाती है कि तुम्हें धीरे धीरे उसके साथ रहने में अच्छा लगेगा। अब अगले दिन बेस्टियन निकोल के साथ स्कूल आता है जहाँ वही शैतानी बच्चों की गैंग नेम नेस्टी उसे परेशान करने लगते हैं, यानी कि ये वही गैंग है जिसके बारे में उस किताब में लिखा था। वो सभी अब बेस्टियन को स्कूल के बॉयलर रूम में बंद कर देते हैं, और तभी वहाँ स्कूल का जेनिटर आ जाता है जो गैंग के लीडर स्लिप से बेस्टियन को बाहर निकालने को कहता है, जिस पर डर के मारे वो उसे बाहर निकाल भी देता है। और फिर बाहर आकर बेस्टियन उससे कहता है कि मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूँ, जो सुनकर पूरी गैंग फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। पर बेस्टियन उनसे बचते हुए स्कूल की लाइब्रेरी में आ जाता है, और ये सारी चीजें उसी किताब में लिखी होती है जिसे बेस्टियन पढ़ रहा था। अब बेस्टियन गैंग से बचने के लिए उस किताब के जरिए फैंटेसिया चला जाता है, और किताब वही लाइब्रेरी में रह जाती है, और फैंटेसिया में वो सीधे एंगी वूक और अर्क के घर पर आ जाता है जिससे उनका घर ही टूट जाता है, पर वो बेस्टियन को देखकर खुश हो जाते हैं। वही लाइब्रेरी में स्लिप को नेवर एंडिंग किताब मिल जाती है, इसलिए फिर वो उसे पढ़ने लगता है जिसमें अब तक जो भी बेस्टियन के साथ हुआ, जैसे गैंग से बचते हुए वो फैंटेसिया चला गया, ये सारी बातें उस किताब में लिखी होती है जिसे पढ़कर स्लिप एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि इस किताब में सारी बातें लिखी हुई है। पर उसे ये मजेदार भी लगती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है, और बेस्टियन को परेशान करने के लिए वो लाइब्रेरी की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, जिस कारण से फैंटेसिया में भी भूकंप आ जाता है, जिस पर फिर एंगी वो कहता है कि तुमने किताब किसी गलत हाथ में तो नहीं सौंप दी, यदि ऐसा है तो तुम्हें वापिस अपनी दुनिया में जाकर उसे सही जगह रखना होगा। जो सुनकर बेस्टियन एकदम घबरा जाता है कि कहीं किताब स्लिप के हाथ ना लग गई हो, लेकिन वो बिना लॉकेट के वापिस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। फिर तभी वहाँ फैलकोर आ जाता है, और बेस्टियन उसे तुरंत रानी के महल चलने को कहता है ताकि जल्दी रानी से मिलकर उनसे वो लॉकेट ले सके, पर इस पर फैलकोर कहता है कि रानी अभी गुफा में रह रहे बुजुर्ग से मिलने गई है, इसलिए अब सभी फैलकोर पर सवार होकर गुफा के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अब कोरिएंडर लाइब्रेरी के अंदर आ रहा होता है, इसलिए सही समय पर पूरी गैंग किताब लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं फैंटेसिया में रानी बुजुर्ग से मिलकर उनसे सवाल करती है कि आखिर फैंटेसिया में क्या हो रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि ये सारी चीजें नेस्टी नाम की गैंग कर रही है जो इंसानों की दुनिया से है, इसलिए हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उन्होंने किताब को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है और उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। जिस पर फिर रानी सवाल करते हैं कि आप वहाँ जाकर उसे क्यों नहीं ले लेते, पर बुजुर्ग जवाब देते हैं कि ये काम मैं या हम में से कोई नहीं कर सकता, ये एक भविष्यवाणी है कि इसे एक ऐसा बच्चा जिसकी सोच कल्पना से परे वही ये काम कर सकता है। दरअसल वो यहाँ पर बेस्टियन की ही बात कर रहे हैं, और फिर तभी वहाँ बेस्टियन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जिसे देख रानी एकदम खुश हो जाती है। वो फिर उसे लॉकेट देकर कहती है कि तुम अपनी दुनिया में जाकर किताब को सुरक्षित जगह रख दो, पर बेस्टियन जैसे ही अपनी दुनिया में जाने की इच्छा मांगता है वो वहाँ नहीं जा पाता, जिस पर फिर एगी वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम सिर्फ दिमाग से शक्तिशाली हो, इसलिए फिर उसे एंगी वोक और अग एक लकड़ी से बना क्रीचर बर्की फैलकोर और जूनियर सभी बेस्टियन को सहारा देते हैं। पर जैसे ही वो इच्छा मांगकर अपनी दुनिया में जाता है उसके साथ वो सभी जो उसे सहारा दे रहे थे वो
वो भी इंसानी दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर बेस्टियन अकेले ही लाइब्रेरी में पहुंचता है और फिर तभी रानी उससे कहती है कि तुम अभी लॉकेट की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, तुम्हें सबसे पहले उन सभी को ढूंढना होगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चले गए हैं, और उसके बाद ही तुम उस किताब को उनसे लेकर कोरिएंडर को वापस कर सकते हो, क्योंकि अगर वो फैंटेसिया नहीं आए तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जो सुनकर बेस्टियन परेशान हो जाता है। अब इसके बाद जब वो लाइब्रेरी के बाहर आता है तो वहाँ उसे नेस्टी गैंग देखकर उसके पीछे पड़ जाती है, इसलिए वो उनसे बचते हुए घर की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ फाल्को आकाश में उड़ रहा होता है और बाहर की किसी जंगल में आ गया होता है जहाँ लकड़ियों के काटने का काम हो रहा था, जिसे देख वो बेचारा एकदम डर जाता है और जूनियर एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ उसे पत्थर की बनी मूर्तियाँ दिखाई देती है, जिनके पत्थर खाने के लिए वो मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है। पर वहाँ से वो फिसल कर नीचे गिरने ही वाला होता है कि सही समय पर फाल्को उसे अपने ऊपर बिठाकर बचा लेता है। इधर बेस्टियन अपने कमरे में होता है और तभी वहाँ निकोल आती है जो उस लॉकेट को देखकर बेस्टियन से कहती है कि जरूर तुम बच्चों की कहानी पर विश्वास करते होगे, तभी तुम्हें ऐसे लॉकेट अपने पास रखा है। जिस पर फिर बेस्टियन लॉकेट को पकड़कर उससे कहता है कि काश मैं तुम्हें दिखा पाता कि ये कितनी शक्तिशाली है, और फिर इतना कहते ही लॉकेट चमकने लगती है। पर सही समय पर बेस्टियन ये इच्छा पूरी होने से पहले लॉकेट छिपा लेता है, लेकिन ये चीज निकोल तब तक देख लेती है। इधर गैंग के सभी लोग प्लान बना रहे होते हैं कि वो इस किताब को कभी बेस्टियन के हाथ लगने नहीं देंगे, जिस पर फिर उनमें से एक फीमेल कहती है कि क्यों ना हम उस लॉकेट को भी चुरा ले ताकि हम भी हमारी इच्छा पूरी कर सके। जो सुनकर स्लीप एकदम खुश हो जाता है और अब सभी कहते हैं कि हमें कैसे भी करके उस लॉकेट को चुराना होगा। इधर बेस्टियन को अपनी खिड़की से फाल्को और जूनियर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है। पर वहीं घात लगाए गैंग भी बैठे होते हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर सही समय पर बेस्टियन फाल्को पर सवार होकर वहां से उड़ जाता है और गैंग उसे देखते ही रह जाती है। दूसरी तरफ एगी वुक और अर्क दोनों एक कुरियर कंपनी में आ जाते हैं जहां वो दोनों एक डब्बे के अंदर छिप जाते हैं और एंगी वुक डब्बे पर बेस्टियन के घर का एड्रेस लिख देता है ताकि वो उसके पास पहुंच सके। इधर बेस्टियन जूनियर को अपने पास रखकर फाल्को को भेज देता है ताकि वो बाकियों को ढूंढ सके और जूनियर को घर के गार्डन में छिपा देता है। अब अगले दिन जूनियर बेस्टियन के कमरे में आ जाता है और तभी वहाँ निकोल भी आ जाती है, इसलिए बेस्टियन जूनियर को छिपा देता है और फिर निकोल के जाने के बाद उससे कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस ना आऊं तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना, और इतना कहने के बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। पर तभी उसके कमरे में निकोल फिर से आ जाती है जो चुपके से बेस्टियन का लॉकेट अपने पास रख के वहाँ से चली जाती है, जिसे जूनियर देख लेता है। अब स्कूल में निकोल लॉकेट की मदद से इच्छा मांगकर टीचर से कहती कि आप वापिस चले जाओ, आज छुट्टी है, जिस पर टीचर ऐसा ही करती है और ये देखकर सभी बच्चे हैरान और खुश भी हो जाते हैं। अब जब सभी बाहर जा ही रहे होते हैं तो गैंग वाले बेस्टियन को पकड़कर स्लिप के पास लेकर आते हैं जो उसे धमकाता है कि मुझे वो लॉकेट दे दो, पर बेस्टियन कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो लॉकेट कहाँ है, जिस पर फिर गैंग वाले बेस्टियन को मारने लगते हैं, जिसके बाद स्लिप कहता है कि अगर अब भी तुम नहीं बताओगे तो मैं किताब से पता लगा लूंगा कि लॉकेट कहाँ है। इधर बेस्टियन के पास कुछ आदमी बार्की को गाड़ी में डालकर ले आते हैं जिसे बेस्टियन ने ही बुक करके मंगवाया होता है, और बार्की के बारे में फाल्को ने बेस्टियन को पहले से ही बता दिया था। तभी फिर उनके घर में वो कुरियर भी आ जाता है जिसके अंदर एंगी वुक और अर्ग होते हैं, जिसे देख बेस्टियन खुश हो जाता है और फिर वो उस बॉक्स को लेकर सभी के पास आता है जहाँ जूनियर बेस्टियन को खबर कर देता है कि निकोल वो लॉकेट अपने साथ ले गई है, इसलिए तुरंत बेस्टियन सबके साथ मॉल जाता है जहाँ निकोल होती है जो लॉकेट की मदद से सारी चीजें खरीदने लगती है। पर जब वो अपना मेकअप करवा ही रही होती है कि तभी गैंग का एक आदमी उससे लॉकेट चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और फिर उसके पीछे निकोल और बेस्टियन लग जाते हैं, पर भागते हुए बार्की उससे वो लॉकेट छीन लेता है, लेकिन गैंग की फीमेल बार्की से वो लॉकेट फिर से छीन लेती है, जिसे देख स्लिप एकदम खुश हो जाता है और फिर सभी वहाँ से भाग कर एक जगह छिप जाते हैं। बेस्टियन अब निकोल पर चिल्लाता है कि आखिर तुमने वो लॉकेट क्यों चुराया, यदि लॉकेट मैंने वापिस नहीं लिया तो मेरे दोस्त और फैंटेसिया सब बर्बाद हो जाएगा।
वहीं स्लिप ये सारी चीजें किताब में पढ़कर खुश हो रहा होता है। अब स्लिप लॉकेट की मदद से रानी को भी देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और इच्छा मांगकर फैंटेशिया में भूकंप ले आता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। वहीं रियल वर्ल्ड में बानी और जेन अपने बच्चों को ढूंढते हुए मॉल आ जाते हैं जहाँ निकोल ने मॉल का बहुत सा सामान इच्छा मांगकर खरीद लिया था जिसे कुछ लोग पकड़े होते हैं। जिस पर बानी निकोल को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये सब तुमने खरीद लिया। अब ये सुनकर निकोल रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है जिसके पीछे बेस्टियन भी जाता है। वो निकोल को समझाता है कि जो भी मेरे पिता ने तुमसे कहा वो उन नेस्टी ने उनसे कहलवाया है। उन लोगों ने मेरे पिता को अपने वश में कर लिया है। हमें उन नेस्टी से लॉकेट वापिस लेना होगा। जिस पर निकोल उसकी बात मान जाती है और अब दोनों नेस्टी को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वो पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहां स्लिप और पूरी गैंग छिपी होती है। स्लिप बेस्टियन से कहता है कि तुमने आने में काफी देर कर दी, मैंने तुम्हारे माता पिता में भी झगड़ा लगवा दिया और अब वो बहुत जल्द डिवोर्स ले लेंगे। जिसे सुनकर बेस्टियन और निकोल घबरा जाते हैं पर तभी चालाके से बार्की स्लिप से लॉकेट छीन लेता है और अब वो लॉकेट बेस्टियन के पास आ जाती है जिसे देख अब पूरी गैंग घबरा जाती है। स्लिप अब चालाकी से बेस्टियन को चुनौती देते हुए कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो मुझे बिना लॉकेट के हरा कर दिखाओ। जिस पर फिर निकोल किताब पढ़कर सभी से कहती है कि किताब में लिखा है कि बेस्टियन के अंदर ब्रूस ली की शक्ति आ जाएगी और फिर वो कराटे के जरिए स्लिप को हरा देगा। इसलिए अब बेस्टियन कोशिश करके स्लिप से लड़ने लगता है और जैसा किताब में लिखा था वैसा ही होता है। बेस्टियन कराटे की मदद से स्लिप को धाराशाही कर देता है जिसे देख स्लिप और पूरी गैंग वहां से भाग जाती है। अब बेस्टियन इच्छा मांगता है कि मेरे सारे दोस्त फैंटेशिया वापिस चले जाएं और जो भी नेस्टी ने किया वो सब ठीक हो जाए और उसकी इच्छा मांगने के बाद वो तुरंत उस लॉकेट को बार्की के हाथ में दे देता है। अब ये इच्छा पूरी होते ही सभी वापिस फैंटेशिया चले जाते हैं जहाँ सभी वापिस आकर एकदम खुश होते हैं और फैंटेशिया फिर से पहले जैसा भी हो जाता है। इधर बेस्टियन और निकोल दोनों घर आते हैं जहाँ बानी घर से अपना सामान ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं पर वो अपने बच्चों को देख एकदम खुश हो जाते हैं यानी कि नेस्टी ने जो बार्नी और जेन पर जादू किया था वो भी खत्म हो गया। अब अगले दिन कोरिएंडर बेस्टियन से किताब मांगता है और बेस्टियन उन्हें वो किताब सौंप देता है जिसके बाद फिर कोरिएंडर कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब जिस तरह से ये मूवी एंड हुई है और जिस तरह से कोरिएंडर ने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो शायद मुमकिन है कि कभी तो भविष्य में इसका पार्ट 4 बनेगा। वहीं इसकी सीरीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ऑल्दो ये बच्चों की मूवी है पर ये देखने में उतनी ही इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं इसकी 3 मूवी सीरीज आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। वहीं अगर आपको ये सीरीज पसंद आई और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में मुझे धन्यवाद जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।